जबरदस्त किस्म की होने वाली है भाई। इलेक्ट्रिक बाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडिया भाई, जो लड़कियां हैं ना वो इन बाइक्स को भाई मैन्युफैक्चर कर रही हैं, ई स्कूटर्स हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज वीडियो। उनको भी जॉब्स मिल रही है, लड़कियां बना रही हैं भाई। वाओ इंजीनियर, ओहो फर्स्ट टाइम देख रही हूं मैं तो ऐसा। वाओ कमाल हो गया है। जबरदस्त यार, मतलब लड़के स्कूटियां चलाती है, लड़के ही बना रही है। वाओ सैल्यूट है भाई ऐसी लड़कियों को जो इतनी मेहनत करती हैं। वाओ हर चीज मतलब कि वही ना रेडी कर रही है। पुर्जे हैं बिल्कुल, कलर वगैरह चेक कर लग रहा है ना। वाह मतलब रंग भी खुद ही जबरदस्त हो गया ये तो। ओहो हो कमाल है। कितनी सारी लड़कियां ना सारी फैक्ट्री, वो जो तार होती है ना वो सभी वो जोड़े। ये मुश्किल है। मुश्किल है तांबा, क्या ही बात है तांबा। ये जो चलती है जिससे वो है ना क्या उसको बोलते हैं, मशीनें चलानी भी आती हैं। चाहिए पूरा एक ढांचा है ये वाला भी। हाँ, है ना कितनी सारी बाइक्स है ना ये वाली। अच्छी भली एक फैक्ट्री है काफी ज्यादा इसमें, क्या ही बात है। फ्रेम है ना जे वो
पेड़ ची जोड़ा दे रहा ना हाँ ये वेल्डिंग ओ टायर्स टायर है अभी बस इन्हें जोड़ना ही है मुझे लगता है सारा काम हो गया ये बैटरी है कैसे मतलब यार लड़कियां इतना अच्छा काम कर रही हैं अरे वाह बैटरी नहीं लग दी उसी किस्म की है किसी चापर चढ़ा के ना सारा हाँ, काम मतलब यही करती है वाओ कैपेसिटी इतनी है वाओ यार बहुत ही ज्यादा मुझे ना बहुत ही खुशी हो रही है हाँ, ये वीडियो देख के अच्छा। मैंने फर्स्ट टाइम जिंदगी में ऐसा देखा कि भाई लड़कियां जो हैं वो इस तरह से फैक्ट्री में काम कर रही हैं और बाइक्स का जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो सब लड़कियां कर रही हैं वो उसके पुर्जे जोड़ने से लेकर उसका रोगन करना फिर उसको जोड़ना किस तरह वैसे हमने ना बहुत ही सुना होता है कि यार लड़कियां ना फैक्ट्रीज में काम करती हैं कपड़े की फैक्ट्री में लगा लेंगे कोई भी लेकिन देखा नहीं कभी होता लेकिन ये फर्स्ट टाइम हमने देखा है उनके लिए भी काफी मुश्किल होता है काम लेकिन वो इतने अच्छे बाइक बनाना इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग चाहिए होता है और ये कोई अनपढ़ बंदा भी नहीं कर सकता इसके लिए भी पढ़ाई की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है ये जो ये काम कर रही थी ना मेन हाँ, और हर एक को अपनी अपनी पोजीशन पर लगाया हुआ था क्योंकि आपको पता पीछे से बाइक तैयार होकर आ रही थी तो आगे जब आती थी जिसका जो काम था वो करते थे तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर की कंट्रीज की फैक्ट्रियां हाँ। हमने देखी हुई है वहां पे ना इसी तरह होते मशीनों से काम किया एक बंदे का काम होता है वो उसमें कोई चीज डाला दूसरे का कुछ और रहता है इस तरह सभी लोग होते हैं तो यहाँ पे भी हमने सभी ने एक जैसा ड्रेस पहना हुआ है बैन लगाए हुए सब मतलब बहुत ज्यादा डिसिप्लिन के साथ सब और सभी लड़कियों को ना मशीनें चलानी भी आती थी कितनी ज्यादा वो मतलब कोई आपने देखा टायर्स जो थे बाइक के वो उसको कुछ करने के लिए वो मशीन चला रही थी और भी जो उसके पार्ट्स थे बाइक से उन्हें भी बनाने के लिए कुछ करने के लिए काफी ज्यादा वो मशीनें मैं देख रहा था चला रही थी तो यार काफी ज्यादा अच्छी चीज है एक बात मतलब है मुझे नहीं था पता कि भाई जो बाइक्स बनाने क्योंकि मुझे हमने शुरू से ये देखा बाइक्स वगैरह जो होते हैं ना उसके काम वगैरह में लड़के ही हमेशा काम करते हैं लेकिन लड़कियां भी इंडिया में वो भी इतना ज्यादा अच्छा काम कर रही है
किया ये तो इससे बड़ी फखर की बात मेरे और इतनी अच्छी बाइक्स उन्होंने तैयार की, इलेक्ट्रिक बाइक माहौल दोस्त जिससे कोई पोल्यूशन या कोई ऐसा खतरा नहीं किसी को। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक बाइक्स है ना जो स्कूटियां वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा चलती हैं, यहाँ पे तो नहीं हमने देखी हुई चलती क्योंकि आपको पता है हमारी यहाँ बिजली बहुत ज्यादा महंगी है, लेकिन इंडिया में तो बहुत ज्यादा मतलब ज्यादातर जो हमने इलेक्ट्रिक बाइक ही देखी है तो यार बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मतलब जब इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाती होंगी सोचती होंगी कि इसमें ये हमने बनाई है, कितनी खुशी की बात है। बिल्कुल ऐसे होता है इंसान को कि यार जब आपने कोई चीज बनाई हुई आप जहाँ पर काम करते हैं वहाँ ऐसी चीज, तो दिल में तो बंदा सोचता है कि यार मैं इस फैक्ट्री में काम करता हूँ या ये काफी अच्छी फैक्ट्री कोई बड़ी इतनी ज्यादा काफी ज्यादा इसमें लोग काम करते हैं। बिल्कुल, और बंदा सोचता है उसको अपने आप पे बहुत ज्यादा फखर होता है, उनके माँ बाप को कितना ज्यादा इन पे फखर होता होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी इंडियंस के लिए, बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए खासकर, बिल्कुल एक मोटिवेटेड वीडियो थी। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलता है कोई वीडियो में। थैंक यू।